हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्फ्रा स्किल हब। आज हम बात करने वाले हैं परमिसिबल क्रैक विड्थ के बारे में कि जो क्रैक विड्थ है वो एज पर IGES कोड कितनी परमिसिबल है कि उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इससे पहले हम जानेंगे कि जो क्रैक्स हैं वो आते किस रीज़न से हैं और उन क्रैक विड्थ को कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि जो क्रैक विड्थ होती है वो मेनली किन पे डिपेंड करती है, तो RCC स्ट्रक्चर में जो क्रैक विड्थ होती है वो मेनली दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। डेट इज़ द फर्स्ट वन इज़ स्ट्रेन ऑफ स्टील, एंड द सेकेंड वन इज़ श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट। ठीक है, एंड जैसा कि हमें पता है हाईएस्ट स्ट्रेन इज़ रिक्वायर्ड इन हाईएर ग्रेड ऑफ स्टील टू गेट डिजायर्ड स्ट्रेस। तो इसकी वजह से होता क्या है, वाइडर क्रैक प्रोड्यूस होते हैं लोअर ग्रेड ऑफ स्टील के मुकाबले। सो यही दो मेन रीज़न जिनकी वजह से क्रैक्स प्रोड्यूस होते हैं। एंड अब अगर बात आती है कि इन जो क्रैक विड्थ है उसको हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, तो उसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन है। हम क्या कर सकते हैं कि जो हाईर ग्रेड ऑफ स्टील हम यूज़ में लेते हैं उनके बीच में जो स्पेसिंग होती है, रीइन्फोर्समेंट के बीच में जो स्पेसिंग होती है, उसको हम क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे, और उससे क्या होगा, जो क्रैक विड्थ है वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस कर जाती है। तो ये था क्रैक विड्थ किस पे डिपेंड करता है और इसे हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा जो IS कोड है वो हमें कुछ परमिसिबल क्रैक विड्थ की वैल्यूज देता है कि इससे ज़्यादा क्रैक विड्थ नहीं होनी चाहिए। तो एक बार उसे देख लेते हैं। अगर हम IS 456-2000 पेज नंबर 67 पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारा मेंशन है द सरफेस विड्थ ऑफ, इसे आप एक बार पढ़ लीजिएगा पूरे पैराग्राफ को। ठीक है, तो ये परमिसिबल क्रैक विड्थ के बारे में दे रखा है, तो मैंने इसे सिंप्लीफाई करके एक टेबल के फॉर्म में बना दिया है, तो वो हम एक बार देख लेते हैं। एंड आप उस टेबल को इसे पढ़ने के बाद ही देखिएगा, जिससे कि आपको कोड की लैंग्वेज भी आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं हमारी टेबल की तरफ, तो इसमें हमें साफ साफ दे रखा है कंडीशंस के हिसाब से हमें मैक्सिमम परमिसिबल क्रैक विड्थ दे रखी है। तो जैसे कि अगर इसमें हम बात करते हैं कि जो माइल्ड कंडीशन होती है, मैं आपको ये हमारी कुछ डिफरेंट डिफरेंट एक्सपोजर कंडीशन है, एंड एक्सपोजर कंडीशंस के बारे में मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ कि माइल्ड का मतलब क्या होता है, मॉडरेट सीवियर क्या होता है, वेरी सीवियर एक्सट्रीम कंडीशन में जो कंक्रीट होती है वो किन कैटेगरीज के अंदर फॉल करती है। ठीक है, तो वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं क्रैक विड्थ के बारे में। तो माइल्ड के लिए जो परमिसिबल क्रैक विड्थ है, जो मैक्सिमम परमिसिबल क्रैक विड्थ है, डेट इज़ 0.3 mm, यानी कि 0.3 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए क्रैक विड्थ। ठीक है, फॉर मॉडरेट एंड सीवियर ये जो रिस्ट्रिक्शन लग जाती है डेट इज़ 0.2 mm, एंड फॉर वेरी सीवियर एंड एक्सट्रीम कंडीशन ये हम लेंगे 0.1 mm। तो ये कुछ परमिसिबल क्रैक विड्थ के बारे में था कि आपने मैक्सिमम इतना ले सकते हैं, इससे ज़्यादा हम नहीं ले सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा हम ले लेंगे तो वो स्ट्रक्चर हमारा ड्यूरेबल नहीं रहेगा, तो हमें ये चीज़ों को ध्यान रखना है, क्योंकि स्ट्रक्चर के अंदर जो मेन चीज़ होती है वो है ड्यूरेबिलिटी। एंड ड्यूरेबिलिटी को अटेन करने के लिए ये हमें IS कोड के जितने भी क्राइटेरियाज हैं उन सबको फॉलो करना होगा। सो आई होप आपको परमिसिबल क्रैक विड्थ से रिलेटेड सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि इसे हम क्यों प्रोवाइड करते हैं, कितना प्रोवाइड करते हैं, इसका मतलब क्या है क्रैक विड्थ का, कैसे रिड्यूस कर सकते हैं इसको, ये सब मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। तो आई होप ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। सो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।